Let us start miscellaneous exercise of integration. Right, first question is, integration of 1 upon x minus x cube. Integration of 1 upon x minus x cube dx. इसे हमें integrate करना है. This is equal to. क्या करेंगे इसमें आप? Denominator से आप x cube common ले लीजिए. X cube, right? अगर यहाँ से आप x cube common लेते हैं, यहाँ पर अकेला x है, तो बाकी क्या बचेगा यहाँ पर? 1 upon x square minus x cube यहाँ से आप common ले चुके हैं, so 1, right? Into dx. अब क्या करेंगे आप? 1 upon x square minus 1 इस पार्ट को t पुट कर सकते हैं, क्योंकि इसका डेरिवेटिव आएगा 1 upon x cube की टाइप का, right? So ये हमने सेकंड एक्सरसाइज में किया था कि जिसका डेरिवेटिव हो उस टर्म को हम t पुट कर लेते हैं. So 1 upon x square minus 1, sorry, 1 upon x square minus 1, this is equal to t. इसका अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, 1 upon x square का डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस 2, क्योंकि 1 upon x square को हम लिखेंगे x to the power minus 2 minus 1. इसका जब डेरिवेटिव करेंगे तो minus 2 आगे लिखा जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी. So 1 upon x cube minus 2 upon x cube minus में जो 1 है इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 into dx. This is equal to dt. Correct? This implies यहां पर आप dx की वैल्यू अगर फाइंड करते हैं तो dx क्या होगा? dx is equal to, sorry, 1 upon x cube dx. This is equal to dt upon minus 2. Correct? अब अपने integration को देखिए जरा. Integration हमारा क्या लिखा जाएगा? यहां पर हमने integration को छोड़ा था 1 upon x cube dx. 1 upon x cube और dx, इसको आप collectively क्या लिख सकते हैं? dt upon minus 2. dt upon minus 2. Minus 2 को जो denominator में minus 2 आएगा उसको आप integration के बाहर लिख सकते हैं, right? And इस part को आपने क्या put किया था? t. So it is t. Now its integration is minus half. 1 upon t का integration क्या होता है? Log of mod t plus c. अब t की value replace करनी है आपको, minus 1 by 2 log of, what is t? 1 upon x square minus 1. t हमने इसको put किया था, 1 upon x square, 1 upon x square minus 1 plus c. इसको एक तो step और simplify कर सकते हैं आप, एक तो minus half log of, यहाँ पर आप LCM ले सकते हैं, 1 minus x square upon x square plus c. अगर यहां से इस माइनस को भी आप खत्म करना चाहते हैं, देन क्या करेंगे? माइनस को आप यहां की बजाय यहां पावर में लिख सकते हैं, इसलिए माइनस इस माइनस 1 पावर की वजह से ये टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी. सो दिस इज इक्वल टू 1 बाय 2 log of x स्क्वायर अपॉन 1 minus x स्क्वायर plus c. ये आपका इंटीग्रेशन होगा. ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं जरा. सेकंड क्वेश्चन इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन रूट ऑफ x प्लस a प्लस रूट ऑफ x प्लस b. इस पार्ट को सिंपलीफाई करना है, सो इसमें आप क्या करेंगे? इसको रैशनलाइज कर दीजिए. सॉरी, रूट ऑफ x प्लस a प्लस माइनस रूट ऑफ x प्लस b अपॉन root of x plus a minus root of x plus b into dx. This is equal to, ये हो गया आपका x plus a to the power half, लिख सकते हैं इसको आप x plus a to the power half minus this is x plus b to the power half upon, यहां पर देखिए this term is a, this is b, this is a, this is b, so it is a plus b and a minus b, so it will be a square minus b square. So this is a plus b, a square, x plus a ka square, square karenge to square se root cancel ho jayega. So it will be x plus a minus x plus b ka square, root karenge, root square karenge, square se root cancel ho jayega. So it will become, kya ban jayegi ye? X plus b into dx. This is equal to, now humare paas ye term hai x plus a to the power half, x plus a to the power half minus, ये term क्या है? x plus b to the power
हाफ, राइट। डिनोमिनेटर में अगर आप माइनस ओपन करते हैं, ये ब्रैकेट ओपन करते हैं, इट विल बिकम माइनस एक्स, क्या हो जाएगा ये माइनस एक्स, एंड दिस विल बिकम माइनस बी, राइट। माइनस एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, राइट, और बी यहां पर क्या होगा माइनस का, सो इट विल बी ए माइनस बी। ए माइनस बी एक कॉन्स्टेंट टर्म है, उसको आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकते हैं ए माइनस बी दिस होल इंटू डी एक्स। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करना है आपको, वन अपॉन ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए टू द पावर हाफ, क्या लिखेंगे एक्स प्लस ए टू द पावर हाफ का इंटीग्रेशन, ये एक लीनियर टर्म है, सो इसमें आप पावर ऑफ इंटीग्रेशन एक इंक्रीज कर देंगे और नई पावर से डिवाइड कर देंगे, सो एक्स प्लस ए टू द पावर थ्री बाई टू डिवाइडेड बाई थ्री बाई टू, थ्री बाई टू डिवाइड में लिखेंगे सो इट विल बिकम रेसिप्रोकल, क्या हो जाएगा टू बाई थ्री, माइनस यहां पर भी क्या होगा एक्स प्लस बी टू द पावर थ्री बाई टू, डिवाइड में आपको थ्री बाई टू लिखना है इसलिए आप रेसिप्रोकल करके इसको टू बाई थ्री लिख सकते हैं प्लस सी, ये आपका इंटीग्रेशन आ गया वन अपॉन ए माइनस बी इंटू दिस, राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर थ्री की बजाय पहले फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वेयर इंटू एक्स फोर प्लस वन टू द पावर थ्री बाई फोर इंटू डी एक्स, कैसे करेंगे इस पार्ट को आप देखो, ऐसे यहां पर जो फ्रैक्शनल पावर है जिस ब्रैकेट के ऊपर, वहां से यहां जैसे फोर है तो ब्रैकेट के अंदर से आप फोर पावर कॉमन ले लीजिए, राइट। सो यहां से अगर आप फोर पावर कॉमन लेते हैं वन अपॉन दिस इज एक्स स्क्वेयर एज इट इज, यहां से अगर आप फोर कॉमन लेते हैं इसको आप पहले ऐसे लिख लीजिए एक्स फोर इंटू, आपने एक्स फोर कॉमन लिया सो इट विल बी एक्स वन, क्या हो जाएगा वन प्लस, यहां पर कुछ टर्म है ही नहीं एक्स की सो वन अपॉन एक्स फोर क्योंकि आपने एक्स टू द पावर फोर कॉमन लिया है, इस कंप्लीट ब्रैकेट की जो पावर है दैट इज थ्री बाई फोर दिस इज इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स टू द पावर फोर, ये जो एक्स टू द पावर फोर है इसकी आपके पास पावर क्या है थ्री बाई फोर, एक्स टू द पावर फोर एक्स टू द पावर फोर और इसके ऊपर पावर है थ्री बाई फोर, फोर फोर कैंसिल हो जाएगा इट विल बिकम एक्स क्यूब, ये एक्स फोर ब्रैकेट से बाहर आके इस ब्रैकेट से बाहर आके क्या बन जाएगा एक्स क्यूब, एक्स क्यूब इस एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा और क्या बनेगा एक्स फाइव, पावर से ऐड हो जाएंगी इंटू, अब आपके पास ये ब्रैकेट बाकी बचा है वन प्लस वन अपॉन एक्स फोर वन प्लस वन अपॉन एक्स फोर, इसकी आपके पास पावर रहेगी थ्री बाई फोर, करेक्ट। अच्छा अब ये क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन की तरह इसका ही बन गया है, इसमें आप ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है इसका डेरिवेटिव एक्स टू द पावर फाइव वन अपॉन एक्स टू द पावर फाइव के टर्म टाइप का होगा इसलिए इसको आप पुट कर लीजिए टी, पुटिंग वन प्लस वन अपॉन एक्स फोर इज इक्वल टू टी, इसका आप डेरिवेटिव करेंगे क्या होगा इसका डेरिवेटिव, वन का डेरिवेटिव जीरो, एक्स फोर को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे सॉरी एक्स फोर को आप न्यूमरेटर में लिखेंगे सो फोर आगे आ जाएगा और पावर एक कम हो जाएगी माइनस फाइव इंटू डी एक्स दिस इज इक्वल टू डी टी, सो दिस विल बिकम वन अपॉन एक्स फाइव इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन माइनस फोर, करेक्ट दिस इज इक्वल टू, अब हमारा इंटीग्रेशन क्या हो गया वन अपॉन एक्स फाइव और डी एक्स, ये कंप्लीट क्या कहलाएगा क्या बन जाएगा डी टी अपॉन माइनस फोर, डी टी अपॉन माइनस वन बाई फोर, माइनस वन बाई फोर को मैं आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिख सकता हूँ एंड दिस इज व्हाट, क्या था ये हमने इसको टी पुट किया था सो इसके जगह पे आप क्या लिखेंगे टी टू द पावर थ्री बाई फोर दिस इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर माइनस थ्री बाई फोर, राइट। न्यूमरेटर में अगर आप इसको लिखते हैं तो पावर नेगेटिव हो जाएगी इंटू डी टी विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, इसमें पावर हो गई माइनस थ्री बाई फोर, सो पावर एक इंक्रीज कर देंगे और न्यू पावर से डिवाइड करेंगे, पावर अगर आप एक इंक्रीज करते हैं माइनस थ्री बाई फोर प्लस वन करते हैं सो इट विल बिकम वन बाई फोर, सो इट इज टी टू द पावर वन बाई फोर प्लस सी विच इज इक्वल टू माइनस वन बाई फोर, वट इज टी, टी क्या है टी हमने पुट किया था
वन प्लस वन अपॉन एक्स फोर, वन प्लस वन अपॉन एक्स फोर टू द पावर वन बाई फोर प्लस सी, करेक्ट। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर फाइव, क्वेश्चन नंबर फाइव इज इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर हाफ प्लस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री डीएक्स। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को देखो जरा। हम यहां पर x को कुछ ऐसा पुट करना चाहते हैं कि ये जो हाफ पावर है एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए, ये हाफ भी एक होल नंबर में कन्वर्ट हो जाए। उसके लिए जरूरी है आप 2 और 3 का एलसीएम, 2 और 3 का एलसीएम आपके पास आएगा 6। सो आप x को पुट कीजिए t टू द पावर 6, x क्या पुट होगा t टू द पावर 6। इसमें अगर आप डेरिवेटिव करते हैं, एक्स हाफ की वैल्यू फाइंड करते हैं, एक्स हाफ आपका क्या होगा, दोनों साइड हाफ पावर कर दीजिए, यहां पर हाफ पावर करेंगे तो ये कन्वर्ट हो जाएगा टी क्यूब में, ठीक है। और एक्स टू द पावर वन बाई थ्री फाइंड करने के लिए यहां पर बोथ साइड आप वन बाई थ्री पावर कर दीजिए। सो एक्स टू द पावर वन बाई थ्री इज इक्वल टू, यहां पर आप पावर करेंगे वन बाई थ्री तो ये एक्स स्क्वेयर में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉरी टी स्क्वेयर में, राइट। सो आप लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स हाफ की जगह आप क्या लिख सकते हैं टी क्यूब प्लस एक्स टू द पावर वन बाई थ्री की जगह क्या लिख सकते हैं टी स्क्वेयर, करेक्ट। अच्छा अब हमें इसको डिफ्रेंशिएट करके डीएक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या वैल्यू होगी डीएक्स की, इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए। डीएक्स इज इक्वल टू 6t5 इंटू डी टी, करेक्ट। सो यहां पर आप लिखिए 6t5 इंटू डी टी, ठीक है। न्यूमरेटर में पावर ग्रेटर है और डिनोमिनेटर में स्मॉलर है, तो वैसे तो लॉन्ग डिवीजन करना चाहिए, बट हम यहां पर क्या करते हैं t5 अपॉन नीचे से टी क्यूब कॉमन, टी स्क्वेयर कॉमन ले लीजिए, टी स्क्वेयर आप कॉमन लेते हैं, इट विल बिकम टी प्लस वन इंटू डी टी, टी स्क्वेयर यहां से कैंसिल होगा, यहां क्या पावर बचेगी 3, सो इट इज टी क्यूब अपॉन टी प्लस वन डी टी। अब यहां पर आप लॉन्ग डिवीजन कर सकते हैं, और अगर आप लॉन्ग डिवीजन नहीं करना चाहते आप क्या कर सकते हैं टी क्यूब माइनस वन प्लस वन, टी क्यूब में आप प्लस वन और प्लस वन और माइनस वन कर दीजिए, और इससे डिनोमिनेटर को सेपरेटली, डिनोमिनेटर से इसको सेपरेटली डिवाइड कर दीजिए, राइट डी टी। इस फर्स्ट पार्ट पे टी क्यूब प्लस वन पे इसको आप लिखिए टी वन क्यूब, दिस इज इक्वल टू, यहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, दैट विल बी टी प्लस वन इंटू टी स्क्वेयर प्लस टी प्लस वन, टी स्क्वेयर माइनस टी प्लस वन अपॉन टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, राइट। ये आपके पास आ गया डी टी। यहां पर एक सिक्स भी था, 65, सिक्स को आप आउट ऑफ इंटीग्रेशन लिख लीजिए, राइट। दिस इज इक्वल टू, अब यहां पर ये टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है, ये कैंसिल हो गया, बाकी बचेगा हमारे पास ये, ये शायद रिकॉर्डिंग में नहीं आया इसलिए मैं इसको एक बार रिपीट कर देता हूं। ये जो टी क्यूब था, टी क्यूब में हमने यहां वन ऐड किया, वन सब्ट्रैक्ट किया, और दोनों को डिनोमिनेटर से सेपरेटली डिवाइड कर दिया, करेक्ट। अब ऊपर जो वन है, वन को लिखा वन क्यूब, ये बना हमारे पास ए क्यूब प्लस बी क्यूब, इस पे आप ए क्यूब प्लस बी क्यूब की आइडेंटिटी अप्लाई कीजिए, दैट विल बी ए प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, राइट, अपॉन में टी प्लस वन माइनस वन अपॉन टी प्लस वन, करेक्ट। ये दोनों आपके कैंसिल हो गए, अब ये क्या होगा, इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं, टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी स्क्वेयर का इंटीग्रेशन होगा टी क्यूब बाय थ्री माइनस में टी स्क्वेयर, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वेयर बाय टू प्लस वन, वन का इंटीग्रेशन क्या होगा टी माइनस, इसके इंटीग्रेशन को आप क्या लिख सकते हैं लॉग ऑफ टी प्लस वन प्लस सी, करेक्ट। अब आप यहां पर टी की वैल्यू डाल दीजिए, सिक्स को आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या होगा टू, यहां पर थ्री सिक्स से कैंसिल हो जाएगा, टू बचेगा टी क्यूब, टी की वैल्यू क्या है, व्हाट इज टी, टी आपका आएगा एक्स टू द पावर वन बाई सिक्स इज इक्वल टू टी, टी क्या होगा एक्स टू द पावर वन बाई सिक्स, सो टी क्यूब
टी क्यूब फाइंड करने के लिए आप दोनों साइड होल क्यूब करेंगे, सो इट विल बी रूट एक्स। टी क्यूब क्या होगा, रूट एक्स, एक्स टू द पावर हाफ माइनस टी स्क्वेयर। यहाँ पर 6 2 से मल्टीप्लाई होके बाकी क्या बचेगा, 3 टी स्क्वेयर। अगर आप टी स्क्वेयर की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, टी आपका क्या है दिस, स्केयरिंग आप करेंगे तो टी स्क्वेयर आपका क्या आएगा, एक्स टू द पावर 1/3, एक्स टू द पावर 1/3 प्लस ये क्या होगा 6t। टी की जगह आपको क्या पुट करना है, एक्स टू द पावर 1/6 माइनस लॉग ऑफ टी। वट इज टी, एक्स टू द पावर 1/6 प्लस 1 प्लस सी। ये आपका इंटीग्रेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है।